गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं हूँ एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। और आज का हमारा विषय है कि कैसे आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको गुस्सा आता है, आप समझ लीजिए एक बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है जो कि आप पे कर रहे हैं अगर आपके पास गुस्सा है। हाँ, इसका कुछ अपवाद भी है। अमिताभ बच्चन कहते हैं जो लोग गुस्सा करते हैं वो सच्चे लोग होते हैं। हमने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। तो झूठे इंसान जो होते हैं मुस्कुराते हैं और जो सच्चे लोग होते हैं वो गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो, समझ लो आपको समझदार बनना है। वो लोग जो गुस्सा करते हैं वो चाहे सच्चे होते होंगे लेकिन वो बेवकूफ कहलाते हैं आज के जमाने में। क्योंकि आप जब जब गुस्सा करते हो, देखो माचिस क्या होती है, माचिस सबसे पहले अपने आप को जलाती है, उसके बाद दूसरे को जलाती है। गुस्सा जो है आपको भी जलाता है, दूसरे इंसान को भी जलाता है, दोनों को जलाता है। सिर्फ माचिस की तरह अपने आप को नहीं जलाता, वो दूसरे को भी जलाता है। आपके वेंडर्स जो आपको छोड़ के जाएंगे, आपके जो इंप्लॉयज हैं वो आपको छोड़ के जाएंगे, और यहाँ तक कि आपके जो कस्टमर हैं वो भी छोड़ के जाएंगे। जो एक धंधे वाला इंसान होता है ना, पता है क्या करता है वो ये कहता है भैया तू जीता मैं हारा। धंधे वाला इंसान कहता है भैया तू जीता मैं हारा, आर्ग्यूमेंट होने बहस हो रही है, तू जीता मैं हारा, बिल्कुल तू जीता मैं हारा, ये बता धंधा क्या दे रहा है, धंधा निकाल। समझदार इंसान हमेशा हारता है, ईगो नहीं रखता, गुस्सा नहीं रखता, आर्गुमेंट नहीं करता, बहस नहीं करता। वो हमेशा ये देखता है कि फायदा कहाँ पर हो रहा है, मेरा फायदा कहाँ पर है। ईगो करके क्या मिलने वाला है आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरे को जीतने दो, बहस पर दूसरे को जीतने दो, और आपको क्या चाहिए, आपको धंधा चाहिए, धंधा निकालो। समझदार इंसान वो होता है जो धंधा निकालता है। आपको सच बनके करना क्या, आपको गुस्सा करके करना क्या है, समझदार बनिए, चालाक बनिए, और किसी भी हालत में अपने गुस्सा नहीं करना है। जब आपको गुस्सा नहीं आता ना तो आपके लिए चुप रहना बड़ा आसान होता है और चिल्लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो आपके लिए चिल्लाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान होता है। और मुश्किल क्या होता है, आपके लिए चुप रहना। जैसे एक मछली है ना, मछली अपने चोंच को अगर बंद रखेगी ना कभी मुश्किल में नहीं आएगी। इसी रंग से अगर आप गुस्सा आने पर अपनी चोंच को बंद कर लो ना, मुंह को बंद कर लो, जो कि बहुत मुश्किल होता है गुस्से में आने पर। अगर गुस्सा आने पर अपनी चोंच को बंद रखते हो, बिल्कुल नहीं खोलते हो, तो मुश्किल में आप कभी नहीं पड़ोगे। आप जानते कितनी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस आप पे करते हैं। आपके सारे के सारे एम्प्लॉयज, आपके कर्मचारी आपके छोड़ के जाने के एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपका गुस्सा आना। गुस्सा करते क्यों, मैं मानता हूँ एम्प्लॉयज आपके काम नहीं करते, मैं मानता हूँ कि गुस्से आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो काम नहीं करते, आपके एम्प्लॉयज हैं उसे टाइम पर नहीं आते, जो आपने काम दे रखा है वो काम करते नहीं है, हर वक्त व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपको टेलीग्राम पे, हमेशा अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, काम नहीं करते। लेकिन साहब परफेक्ट कौन है, परफेक्ट क्या आप हैं, क्या मैं हूं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता। जब भी हम लोग के पास साहब सर के ऊपर कुछ नहीं होता, कोई साया नहीं होता, कोई चेक करने वाला नहीं होता, हम लोग जरूर थोड़ा सा काम चोरी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग करते हैं, ओनर्स करते हैं, तो क्या एम्प्लॉयज नहीं करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उनको लैटिट्यूड देना है, सिस्टम को ऐसा बना के रखो उसके ऊपर की टीम के जो उसका जो हायरार्की में उसका जो लीडर है उसको ऐसे बना के रखो ताकि वो चेक करें। आपका काम नहीं है उनको डांटना, आपका काम नहीं है गुस्से को करना। गुस्सा किया नहीं कि आपका अपना जो पैसा है वो पराया हो जाता है। मैंने एक बार एक वीडियो में कहा था 2 करोड़ रुपया अगर आपने लेने हैं और जिससे लेने हैं, अगर आपने एक बार गुस्सा कर दिया तो 1 करोड़ रुपए को बाय बाय कर देना। एम्प्लॉय को अगर आपने गुस्सा कर दिया तो उस एम्प्लॉय को बाय बाय कर देना। अगर वो देर से आता है, आराम से उसके पूरा बैठ करके उससे पूछे, रीजन एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, बैठ करके पूछो ना यार क्या फर्क पड़ता है, बैठ जाओ। हो सकता है कि आपने उसको भेजा हो किसी काम के लिए, हो सकता है इसी काम से वो लेट आया हो सकता है कोई और रीजन हो सकता है उसको एक्सीडेंट हुआ हो सकता है घर में उसके कोई आ गया हो सकता है कि उसकी बाइक खराब हो गई, कार उसकी खराब हो गई, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है गलती आप ही की हो। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, हम लोग ही जानबूझ के उनको काम देते हैं, कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है जिसमें बाद में हम लोग एम्बेरस होते हैं जब इस बात का पता चलता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हो सकता है उसके अंदर उसके इतनी गलती ना हो, उससे सुनिए, बी अ गुड लिसनर। भगवान ने भी हमको 2 कान दिए, 1 मुंह दिया था कि हम लोग कम बोले और सुने ज्यादा। दोस्तों आपने 100 बातें अच्छी करी हैं, आपने 100 बातें अच्छी बोली हैं, आपकी 1000 बातें भी अगर आपने करी हैं लेकिन एक बार भी आपने गुस्सा कर दिया, आपके जितने भी कहे हुए कथनों का, आपके कहे हुए कर्मों का कोई फायदा नहीं होगा, सबका सब खराब हो जाएगा। दोस्तों सोच के देखो, जो दूसरे इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम, जो उसके माता पिता से मिलते हैं, अगर आपके भी वही क्रोमोसोम्स होते, वही जीन्स आपकी भी होती, वही अपब्रिंग आपकी भी होती, वही स्कूलिंग आपकी होती, वही पड़ोस आपका होता, वही माता पिता जैसे उस इंसान के जिसने आपके साथ में बुरा किया है, जो गुस्सा कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही सारी की सारी सिचुएशन। कहते हैं ना सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन, आपकी भी उस सोसाइटी बिल्कुल वैसी होती, वही स्कूलिंग, वही सब कुछ, सारा का सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे का वैसा होता अगर, तो क्या आप भी वैसा ही रिएक्ट ना करते जैसे उस इंसान ने आपके साथ में रिएक्ट किया जिसके कारण से आपको गुस्सा आया।
गुस्सा करने से पहले अपने आप को डाल के देखो कि अगर मैं भी ऐसे ही होता, वही जीन्स होती, वही मेरे अपब्रिंगिंग होती, वही मेरे माता पिता होते, वही क्रोमोसोम्स होते, तो मैं भी तो ऐसे रिएक्ट करता ना, आपको गुस्सा कम आएगा। लोक व्यवहार में, इंटरपर्सनल स्किल्स में जब भी आपके संबंधों की का जिक्र आता है, तब एक बात का ख्याल रखना, दैट यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड आई इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। लेकिन वहीं पर पब्लिक स्पीकिंग में एकदम उल्टा, एकदम विपरीत मैं कहता हूं, जब भी आप मंच पर आते हो आपकी हालत खस्ता होती है, हालत खराब होती है, पेट में बटरफ्लाइज होती हैं, टांगे कांप रही होती हैं और मुंह सूख रहा होता है, एंड यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, तब मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप मंच पर आते हो, यू आर एड्रेसिंग पीपल, यू आर एड्रेसिंग ऑडियंस, उस वक्त पर आपको उल्टा कहना है, आपने ये कहना है दैट आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यू इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ये समझ के चलो कि सब के सब लोग जो सामने बैठे हैं उन सब लोगों ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, दे ऑल हैव टेकन लोन फ्रॉम यू and today they have come here for the extension of the loan, and tell yourself that I'm not going to give them any kind of extension, let them beg। इस ढंग से अगर आप अपने आप को ऑटो सजेशन दोगे ये कहकर कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं और ये सब के सब बेवकूफ हैं, ये सोचोगे बढ़िया है। लेकिन लोक व्यवहार में, इंटरपर्सनल स्किल्स में एकदम विपरीत, एकदम उल्टा होता है। आपको हमेशा ख्याल रखना है कि यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ख्याल रखिएगा। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ एक मेरे डायलॉग्स हैं जो कि रिपीट हमेशा होंगे। रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के बाद पांचवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज हर इंसान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हजारों लाखों लोग जो आउट हैं, बाहर हैं, इस हॉल से बाहर हैं, उन सब के लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? वो है फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। हर इंसान को नेम चाहिए, फेम चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। जब भी आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, जब भी उसको गुस्सा करते हो, उसका प्राइड जो है वो हर्ट होता है, उसकी जो फीलिंग इंपॉर्टेंस है वो हर्ट होती है। किसी भी हालत में आपने दूसरे इंसान को हर्ट नहीं करना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। जब जब आप क्रिटिसाइज करते हो अपने एम्प्लॉयज को, अपने वेंडर्स को, अपने कस्टमर को, आप लोग खोते हो, आपको दुश्मन बनाते हो, दोस्त नहीं बनाते। गुस्से को पीना सीखिए आप लोग। देखिए, हमेशा गुस्सा आने पर आपको दो बातों का ख्याल रखना है, या तो आपको थैंक यू बोलना है या आपको चुप रहना है। थैंक यू ही बोलना पड़ेगा आपको। मान लीजिए दूसरा इंसान आपको गुस्सा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? या तो वो, अगर किसी इंसान ने आपको गुस्सा किया, या तो वो जेलस है आपसे। अगर आपसे जेलस है तो आपको क्या करना चाहिए? इसका मतलब साफ है कि वो एक अनडिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट है। जेलस इंसान वही होता है जो हमेशा मन में ये सोच के चलता है कि आप उससे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपसे ज़्यादा जानते हो। तो जब भी कोई आउट ऑफ जेलसी आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना यार, राइट? अच्छा, फिर दूसरा हो सकता है कि बाकी में आपकी कोई गलती हो। अगर आपकी कोई गलती है तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको थैंक यू तो बोलना चाहिए, है ना? तो अगर आपकी गलती नहीं है, वो आउट ऑफ जेलसी है, तो आपको थैंक यू बोलना है। अगर आपकी गलती है तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। वो आपको क्रिटिसाइज करके एक तरह का आपका ट्रेनर है, आपका गाइड है, आपकी कमियां निकाल करके आपके सामने रखा है, आपको थैंक यू तो बोलना चाहिए। अच्छा, या तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए या फिर आपको चुप रहना चाहिए। अब आपको चुप क्यों रहना चाहिए? अगर आप सही हो तो आपको गुस्सा करने की जरूरत क्या है? अगर आप सही हो तो आपको गुस्सा करने की जरूरत क्या? तो चुप रहिए ना। और अगर आप सही नहीं हो तो आपको गुस्सा करने का हक ही नहीं बनता, तो आपको चुप रहना चाहिए ना। आप समझे मेरी बात को? या तो आप सही हो, अगर सही हो तो गुस्सा मत कीजिए, अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा करने का हक नहीं बनता, तो आपको चुप रहना है। तो हमेशा ख्याल रखिए, या तो आपको थैंक यू बोलना है या फिर आपको चुप रहना है। या तो आपको थैंक यू बोलना है या आपको चुप रहना है, या तो आपको थैंक यू बोलना है या आपको चुप रहना है। आपको गुस्सा आता किन पर है? आपको गुस्सा आता है या तो छोटों पर, या जो कमजोर होते हैं उन पर, या जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं घर पर उन पर, या जो आपकी फैमिली जो आपके ऑफिस में होती है यानी कि आपके एम्प्लॉयज उनके ऊपर आपका गुस्सा आता है। Never lose temper, use temper. मतलब क्या कहा मैंने? Never lose temper, use temper. आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। जब भी आप गुस्सा करते हो, देखो मैं हमेशा कहता हूं, गुस्सा नहीं किया तो क्या होगा? आपके बच्चे जो है वो काम नहीं करेंगे, आपके एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, है ना? तो आपको गुस्सा तो रखना है, लेकिन कौन सा? एक्टिंग करनी है। Never lose temper, use temper. आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉय है, आपने उसको काम दिया है, सारा दिन का 6 काम दिए हैं। अगर आप गुस्सा करते तो आप क्या कहोगे कि काम किया तुमने, 6 काम दिए थे तुम्हें, 1 काम किया, लुका पट्टा ना हो तो अगर इसी ढंग से लिया काम से बाहर निकाल दूंगा, क्या होगा? वो कहेगा भैया काम ये रहा तुम्हारा, मैं तो छोड़ रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, इस काम से बोलने की तमीज तुम्हें है नहीं। उसकी जगह पर लूज टेंपर, उसको बोलो यार, सुनो यार, तुम्हें 6 काम दिए थे, तुमने 1 काम किया है, अगर इसी ढंग से 1 काम करोगे ना दोस्त, इसी ढंग से मारुति में, इसी ढंग से उंडाई में आते रहोगे, आप कभी होंडा में, कभी टोयोटा में, कभी स्कोडा में नहीं आ पाओगे। क्या होगा?
ये वो तरीका है जिससे कि आप अपने गुस्से को दिखा रहे हो, आप लूज नहीं कर रहे हो। जब भी आप लूज करते हो आपका टोटल कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर से नहीं रहता, खत्म हो जाता है। आपके हाथ ट्रेम्बल कर रहे होते हैं, आपकी टांगे ट्रेम्बल कर रही होती हैं, आपकी आवाज़ जो है भर्रा चुकी होती है, बहुत तेज तेज बोल रहे होते हैं, चिल्ला चिल्ला के आप बोल रहे होते हैं, और साथ में आपको कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। आपके फेस के एक्सप्रेशन जो है वो गुस्से में होते हैं, आप हर ढंग से हर तरह से उसकी आप निंदा करते हो, उसको क्रिटिसाइज करते हो, उसको ह्यूमिलेट कर रहे होते हो, और कई बार तो औरों के सामने, सबके सामने, पब्लिक के सामने ऐसा करते हो। नंबर लूज टेम्पर, और जब यूज करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपके शब्दों के ऊपर, आपके हाव भाव के ऊपर, आपकी हर एक चीज के ऊपर, बॉडी भी और आपके वर्ड के ऊपर पूरा कंट्रोल आपका होता है। आप नपे तुले उतने ही शब्द निकालते हो जितने आपको निकालने चाहिए, उतना ही कहते हो, उतना ही तराजू के अंदर नाप करके उतने ही शब्द निकालते हो जितने आपको निकालने होते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि नेवर लूज टेंपर। लूज टेंपर करने पर आपके एम्प्लॉयज आपके हाथ से जाएगा, लोग आपसे दुश्मनी करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स चाहे आपसे दुश्मनी न भी करें लेकिन बुरा मानते हैं, लेकिन वहीं पर यूज करने पर आपने अपनी बात को कह भी दिया, आपने गुस्सा दिखा भी दिया। एम्प्लॉयज के ऊपर गुस्सा दिखाना जो है वो जरूरी होता है, तब वो काम करते हैं। तो आपने बिल्कुल कंट्रोल में रह करके उतना ही बोलना है जितना आपको बोलना चाहिए। और कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब आप गुस्से के नाटक करोगे। गुस्सा दिखाना जरूरी होता है एम्प्लॉइज को, दिखाइए, करिए मत दिखाइए। नेवर लूज टेंपर, यूज टेंपर। जब भी आपको गुस्सा है ना, अपनी स्किन को उठा के पिंच करो, अपने आप को पिंच करो, और तब तक करते रहो जब तक आपको दर्द नहीं होता, जबरदस्त खून ना निकलने वाली नौबत आ जाए तब तक अपने आप को पिंच करते रहो। ये एक तरह की पनिशमेंट है जो अपने आपको दोगे, ऐसे कर सकते हो। आपको बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह सोचना है कि जैसे एक डिटेक्टिव होता है ना, एकदम बात की तह में घुस जाता है, अंदर घुस करके पता करता है कि वो रीज़न क्या है जिसके कारण से ऐसा कुछ हुआ है, जो हुआ है तो क्यों हुआ है। इसी ढंग से आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, रेट्रोस्पेक्ट करना है, किस कारण से, किन लोगों पर, किस जगह पर, किन किन बातों पर आपको गुस्सा आता है, एम्प्लॉइज पर आता है, सिबलिंग्स पर आता है, फैमिली मेम्बर्स पर आता है, तो उन सब लोगों का नाम लिखो। किन किन जगहों पर आता है आपको गुस्सा वो लिखो, किन किन बातों पर आता है वो लिखो। जब इस ढंग से आप रेट्रोस्पेक्ट करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे एक डिटेक्टिव की तरह, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को या बिजनेस कोर्स को ज्वाइन करना है दिल्ली में आके, अगर आप रहना चाहते हो एज ए पीजी आप रह सकते हैं, ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए। और मेरे ख्याल से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और साथ में जो उसके बेल आइकन है उसको भी आपने हिट जरूर किया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने बिजनेस फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप नीचे की तरफ कमेंट सेक्शन में जाकर इसको सुलिखिए, हम लोग बहुत शौक से इसको पढ़ते हैं। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।